हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम जाने वाले पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से एक मालदा जिले के सफर पे। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मालदा जो कि बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि गेटवे ऑफ नॉर्थ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये राजधानी कोलकाता से 349 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शहर मुख्य रूप से अपने आम, जूट और सिल्क के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। आपको बता दें कि मालदा जिला पूरे देश भर में अपने इनलीगल रैकेट्स के लिए बदनाम है। इस जिले पर फेक करेंसी प्रिंटिंग के कई सारे आरोप हैं। इसके साथ साथ ये कई सारे इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। दोस्तों मालदा जिला 3,733 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी आबादी 39,000 से भी अधिक की है। यहाँ की साक्षरता दर 62.71% की है और यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 939 महिलाएं जन्म लेती हैं। मालदा शहर को इंग्लिश बाजार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कभी बंगाल की राजधानी भी हुआ करता था। यह शहर महानंदा और कलिंद के मेल पर स्थित है। यह शहर मुख्य रूप से अपने राइस, जूट, ऑयल सीड, हाई क्वालिटी मलबेरी, मैंगो ट्रेड और सिल्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया है। ये जिला दक्षिण में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर में नॉर्थ दीनापुर डिस्ट्रिक्ट और साउथ दीनापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम में संथाल परगना और पूर्व में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों सड़क पर यदि आपको WB65 नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दिख जाएं तो समझ लीजिए आप मालदा में प्रवेश कर चुके हैं। ये जिला 6 ब्लॉक और 2 सब डिवीजन से मिलकर बना है, जिसमें चंचल और मालदा सदर शामिल है। यहाँ 51.27% मुस्लिम और 48% हिंदू निवास करते हैं। वहीं यहाँ के शहरी क्षेत्र में 86% हिंदू और 11% मुस्लिम रहते हैं। आवागमन के साधनों पर नज़र डालें तो यहाँ 4 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें यहाँ का मालदा टाउन रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग की बात करें तो यह राष्ट्रमार्ग 12 और 331 से जुड़ा है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का मालदा एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, मगर आप यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट और बागडोगरा एयरपोर्ट का इस्तेमाल अन्य शहरों में आने जाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में ये जान लेते हैं कि कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में जहाँ आपको ज़रूर विजिट करने जाना चाहिए, जिसमें आप यहाँ के मालदा म्यूज़ियम, फिरोज़ मीनार, दाखिल दरवाज़ा, मालदा रेलवे पार्क, श्री जवाहर काली मंदिर और आप यहाँ के मस्जिदों में घूमने फिरने जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस शहर के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में Part 2 लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।